चार बजे पहुंचना था हमें, 4:10 यहीं पर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चुका साका, हेलो एंड वेलकम, वनकम, जय भीम। राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका, आप सबके अपने चैनल पे मुंबई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो अभी हम लोग वडाला से निकल चुके हैं सांता क्रूज जाने के लिए सोना मेडिकल सेंटर, क्योंकि आज हमारा अपॉइंटमेंट है 4:00। डॉक्टर ने बुलाया है हमें और 4:15 अभी यहीं पर हो रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ओला बुक किया हमने, सो अभी चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पे, स्टिचेस खुलवाने हैं और अल्लाह करेगा एक्सरे अच्छा आए। 17 तारीख के बाद इतने दिन हो चुके हैं, बहुत पेन है, बस एक्सरे अच्छा है। चलो साथ में साथ मामू है, खान कलीम खान भाई है, इनके वैगनार है, इनके वैगनार से हम लोग जा रहे हैं। यस, मुंबई में अगर सफ़र करना है तो ट्रैफिक बहुत है, 6 किलोमीटर का रास्ता है और 6 किलोमीटर के रास्ते में 30 मिनट दिखा रहा है। अब डॉक्टर ने कहा था कि आपको स्वेट नहीं आना चाहिए और मुझे खड़े खड़े इतना पसीना आया, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, पूरी तरह से भीगा हुआ ही हूं मैं, देख सकते हैं आप। 4:00 पहुंचना था हमें, 4:10 यहीं पर हो रहा है। 3:30 हम लोग घर से निकले थे ये सोच के कि आराम से चले जाएंगे, बट मुंबई है, मुंबई का दूसरा नाम ट्रैफिक है और ये कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। बस अभी 3 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्या है क्या नहीं है। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये अभी हमें मेडिकल जाना है, जो कुछ भी लगेगा, जो कुछ भी सामान लगेगा वो मेडिकल से लाना है। अब मामू बोल रहा है मामू को खानी है पानी पूरी। ये अपने राजाराम भाई, कैसे हो? ठीक है, ठीक है, आप बताइए। मस्त मस्त, दर्द नहीं होगा ना? नहीं, स्टिचेस खोलने के लिए नहीं होता है ना? कुछ भी नहीं। वेट करो, बैठो थोड़ा टाइम, अभी बैठे हैं हम। अभी हम लोग आ चुके सोना मेडिकल, स्वेलिंग भी कम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना हाथ खुद अभी सपोर्ट रख रहा हूँ। कैसा हो गया रे आप ना? ये बात मैं अपने आप को ऐसा देख रहा हूँ, एक बिल्ड नहीं है, लेकिन आप देखो कैसा होता है, ऐसे होगा जाओ इतना ही इससे कुछ नहीं इतना आता है बच्चे को इतना ही जाता है इससे नीचे नहीं जाता है कोशिश करने के लिए। Hello. How are you doing? All well? Fantastic. Great. Straight? Not bad. Straight? Fantastic. Right. Wonderful. Okay. So, today is how many days for the operation now? 18. Come on. 18. And today is the 30th. So, it's about 12 days. 26. So, what we'll do is, we'll get the stitches out today. Okay. We'll do an x-ray. And I look at the x-rays and tell you what's the next step. Okay. Is that okay? Okay. Perfect. Thank you. So we get the stitches out. Okay. We
get an X-ray and I'll see what you have. Okay. Okay. Any in this last 12 days, any fever? No. तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है. तकलीफ सिर्फ ऐसा नीचे लेता हूँ. ठीक है, गुड पेन है. ओके ओके, वो तो जॉइंट का पेन है, प्रॉब्लम बराबर तो नॉर्मल है, कुछ टेंशन ना पाओ. इनफैक्ट ये जाम अच्छी बात है क्योंकि टिश्यू तो अच्छा रखा ही पड़ा है. एक्सरे का तो अच्छा. ओके एक्सरे में देख लेते हैं सब चीज पोजिशन में है क्या. हाँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या एक्सरसाइज चालू करना है या एक्सरसाइज आपने कुछ गलत किया है. हाँ, हाथ इधर उधर किया हो तो बर्न होगा. ठीक है, ये बोला ऐसा तो ठीक नहीं होगा. बस मुझे आप बताओ एक बार क्या है. अच्छा है, कैसा महसूस हो रहा है. ठीक है, एक निकाल लिए. ठीक है, निकाल लिया. पूरा टोटल कितना लगा था सर? ये 60 रहेगा. ये मैंने इनका पंचिंग स्टेटस निकाला है जो कि 65 तक समथिंग रहेगा. तो ठीक है, ओके. अभी मैं इसको फेंक रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है. इसका हो गया. ठीक है, तो अभी मैं ड्रेसिंग करने जा रहा हूँ. तो ड्रेसिंग में थोड़ा सा अगर पेन होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं घसूँगा जो बिल्डिंग होगा क्लॉट रहता है उसको मैं निकालता हूँ खींच के. इचिंग वगैरह होता है ना आपको? हाँ, इचिंग होता है ना आप पे बेल में अंदर इधर उधर. अच्छा, आपका एक्सरे पे डिपेंड करते हैं कैसा है एक्सरे. जभी समझेगा आप, जभी समझेगा अभी होने के बाद फिर मजा आएगा. संदीप सर जिस तरह से मेरे से बात कर रहे थे, जिस तरह से मेरी ड्रेसिंग कर रहे थे, जिस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और हंसी मजाक हो रही थी, तो जो मेरा दर्द था ना वो दर्द मैं पूरी तरह से भूल गया था. और काफ़ी अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखा इन्होंने. जब से मेरा पहला दिन था तब से लेके इन लोग काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रहे थे. पूरी डॉक्टर की टीम, पूरा स्टाफ सब बहुत अच्छी तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर. और संदीप सर और मेरे में एक चीज़ कॉमन ऐसी है कि संदीप सर है मिर्ज़ापुर से, मैं हूँ राजापुर से, तो दोनों में पुर है. अभी जो कुछ भी डिपेंड है सब एक्सरे पे है, तो अल्लाह करे कि एक्सरे अच्छा है. उतना पेन तो मुझे अभी नहीं हो रहा है, तो जैसा पहले पेन था वैसा पेन नहीं है. लेकिन फिर एक्सरे देखना बहुत जरूरी है, तो फिर समझेगा क्या करना है. ये एक्सरे पूरा डिपेंड करता है हमारे ट्रीटमेंट पे. इससे पहले भी मैंने एक्सरे लिया था, जब पहली बार आया था तब तो बाद समझ नहीं आ रहा था. आज मैं हमने शूट कर रही थी, हम लोगों को दिखाता हूँ, अपने लोगों को दिखाता है. तो सात माह में शूट कर रहे थे वीडियो, और सात माह में ये पेन होना बहुत हैवी था ना. I'm going to go to the hospital.
क्या हुआ है, मेरे हाथ को आदत ही हो गई है ऐसा रखने की। अच्छा तो वैसी है। पाँच मिनट बैठने के लिए बोले हमें, और पुराने वाले एक्सरे और नए एक्सरे से कंपेयर करने के लिए बताएंगे कितना हील हुआ है, क्या हुआ है, देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर है वो डॉक्टर देख के बताएंगे। ओके, तो आपका एक्सरे देखिए जी। ओके, हील हो रहा है, देखो कितना बढ़िया पोजीशन है जी। आप प्लेट को मत देखो, आप बोन को देखो जी। देखो फ्रैक्चर दिखता भी नहीं है, देखो कितना परफेक्ट है ये साइड के प्लेन में, ये सामने के प्लेन में, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू, फैंटास्टिक। ओके, बढ़िया। ओके, क्रेडिट गोज टू यू। मुझे नहीं, बढ़िया, अच्छा हो गया। ओके, कुछ नहीं, अच्छा है। ओके, सो वेरी नाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो देखते हैं, ये देखो, ये फ्रैक्चर है बिल्कुल, इसमें जो उसको पकड़ा ना ये दो स्क्रीन, और एक्चुअली यहाँ पे ये दिखता है छोटा लाइन, छोटा लाइन है जी, ये लाइन में भी फ्रैक्चर है, इसमें भी स्क्रू ने पकड़ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट स्क्रू है, ये इसके दो स्क्रू और ये स्क्रू, इसने पूरा पेट को फ्रैक्चर को ऐसा पकड़ रखा है, और उसके ऊपर ये किया है। आप सब कुछ कर सकते हो, और आपको और 15 दिन थोड़ा स्लो जाना है, 15 दिन थोड़ा स्लो जाना है, 15 दिन आपका सब कुछ बन जाएगा, फिर आप फ्री बर्ड, फ्री बर्ड। ओके, बाइक वो सब चला सकते हैं, बाइक आपके 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, बाइक बाइक 3 मंथ्स, बाकी बुकिंग का चालू कर दो। बाइक में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी झटका लगा नहीं, बोलिए नहीं, आपको देवी है, आप करोगे सब कुछ करोगे, टाइम दो। ओके, आपका नाम रोहित सोलकर, रोहित सोलकर, सोलकर, सोलकर ना, सोलकर, आपका एज 26, आपने कुछ चालू किया प्रोटीन्स वगैरह कुछ? प्रोटीन्स मतलब तो चिकन और ये नॉर्मल एक, नॉर्मल एक, और विटामिन डी कैल्शियम ले कुछ? नहीं, विटामिन डी कैल्शियम ले कुछ। ऑपरेशन को 12 दिन हो गया ना जी, टाका निकाल दिया? हाँ, सो टाका निकाल दिया, रकम सूट किया, सब हो गया। ओके, आफ्टर 2 दिन के बाद आप इसको निकाल दो, रकम पूरा सूट गया, पूरा सूट गया, 2 दिन उसको निकाल दो, आपको एक स्प्रे देना, उस पर स्प्रे लगा के आप नहा सकते हैं, इस पर नहा सकते हैं। ओके, ओके, आप इस पंचिंग कर रहे हो जी? ओके, तो 2 दिन के बाद उसको निकाल के स्प्रे कर सकते हो, नहा सकते हो, खड़े हो जाओ। ओके, आपका हाथ ऐसे है, धीरे धीरे इसको खोलो, सब जगह खोलो, खोलो 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 उसको, खोलो 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 उसको, गुड पेन है, गुड पेन है। अब अभी कहाँ पे जाओगे? वडाला, वडाला। एक 15 दिन आपका स्लो जाना है। ओके, 15 दिन के बाद मुझे एक एक्सरे करना है वहाँ पे, मुझे एक्सरे व्हाट्सएप करो। ओके, अगर सब सही रहेगा तो वहाँ पे लोकल फिजियोथेरेपिस्ट को बोलो मुझे फोन करने के लिए, उसको आगे का प्लान बोल देते हैं। ओके, मैं थोड़ा आपका हड्डी बनने का मेडिसिन चालू करा। ओके ओके ओके, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था प्रसाद भागुंडे सर के बारे में, जो सोना मेडिकल सेंटर के मेन डॉक्टर है, और काफ़ी अच्छी तरह से बात करते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट और ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने किया और सक्सेसफुल भी रहा, तो काफ़ी अच्छे सर हैं, अच्छा लगा इनसे मिलके। फिर आपको आगे का सब सिस्टम बोलता है, बाकी बढ़िया।
परफेक्ट, थैंक यू, चलो ओके। और 15 दिन और अभी बाइक से 3-4 महीना आराम से राइड करेंगे। सो अभी हम लोग मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल पे आए हैं। यहाँ पर जो पहले मेडिसिन थी शायद वो अभी खाने नहीं है। कैसा चांगला वाला बैठन भाई? यस यस, थैंक यू। ओहो तो अभी हमने फिर ओला बुक किया और फिर वैगन आर आई है। अभी भाई आए, भाई क्या नाम? अफरोज भाई आए हैं। हाँ, मेरे साथ में अम्मी, खाला, नानी भी आने वाले थे। फिर साथ मामू बोले कि अप्पा मत, मैं जाता हूँ साथ में, बस टाके ही खुलवाने हैं ना। तो साथ मामू ने काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखे मेरा। अम्मी, नानी, शारमिन खाला, फातिमा खाला, अबरार मामू, दीदी, सब अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं मेरा। और खाला के जो बच्चे हैं, मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग, सब अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं मेरा। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुर्ला CST रोड। यहाँ का मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत अच्छा रैंक कर गया था वो वीडियो, 2 लाख प्लस व्यूज है उस पर। ये मुंबई का दूसरा नाम है ट्रैफिक। ये देखो जहां तक नजर जा रही है वहां तक गाड़ी 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 गाड़ी।